मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई पॉपुलर डिमांड से ये एपिसोड है, जितनी रेसिपीज हैं वो आपने डिमांड की है, सिंपल रेसिपीज हैं रोजमर्रा की, दाल कढ़ी ये सब चीजें खाते हैं। तो आज की शुरुआत एक दाल की रेसिपी जिसे आप रोज बना सकते हैं, टेस्टी डिलिशियस, नॉर्थ इंडिया से, काली दाल, थोड़ा सा मक्खन डाल के। तो ज्यादा मक्खन डालें तो मक्खनी, कम डालें तब भी मक्खनी। शुरुआत कैसे करनी है, इसके लिए आपको चाहिए काली उड़द, ये देखिए होल उड़द, और ये जो उड़द है इसके साथ में राजमा, रेड किडनी बीन्स, ये दोनों चीजों को सफिशिएंट पानी के अंदर भिगो के रखना है रात भर। अब इसे पकाना है, तो पकाने के लिए प्रेशर कुक करेंगे हम, इसे हम पकने के लिए डाल देते हैं और पानी इसमें, ये लीजिए ये आ गया पानी, और इसके बाद इसमें नमक, ये लीजिए इसके अंदर नमक, और उसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, और फिर इसे आप प्रेशर कुक कर लें। ये प्रेशर कुकर का ढक्कन ये लीजिए और इसे पूरी तरह से पका लें। अच्छा, ये जो काली उड़द होती है इसको पकने में समय लगता है, राजमा को पकने में समय लगता है, चाहे वो रात भर भीगे भी हों, तो इसको आप करीब 3 सीटी से दें और फिर उसके बाद धीमी आंच पर और पकने दें ताकि ये पूरी तरह से गल जाए। कैसे, जैसे ये देखिए, अब ये जब पूरी तरह से पक जाए, गल जाए, उसके बाद इसमें स्वाद देना है, टेम्परिंग, तड़का, फोड़नी। कैसे, एक बर्तन ले लेते हैं हम, और उसके बाद इसमें मक्खन या तेल, और अगर दोनों चीजें मिक्स करनी है तो ये लीजिए। अब ये गर्म हो गया, अब इसके अंदर जीरा, ये लीजिए जीरा, क्यूमिन सीड्स, अब इसके अंदर ये अदरक, और ग्रेट किया हुआ या कटा हुआ अदरक छोटा छोटा, उसके साथ साथ लहसुन, अदरक और लहसुन डाल दिया। अब इसके अंदर स्वाद प्याज का, प्याज बहुत जरूरी है इसमें, प्याज लीजिए डाल दिया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, और बस इस तरह से, और इस हरी मिर्च को इसके अंदर, प्याज जो है सुनहरा हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये टमाटर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें कि जब आप इस तड़के को बना रहे हो तो आंच एकदम तेज, क्योंकि धीमी आंच पर अभी कोई काम नहीं, धीमी आंच का टमाटर, और अब इसे पकने दें अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया अच्छी लाल मिर्च, और इसे कर दिया मिक्स। अब इसके अंदर ये उड़द, होल उड़द, और राजमा, और यदि आपको लगे कि इसमें जो है पानी कम, तो जो उबालते समय पानी इसमें रहा हो, अगर बच गया हो तो इसके अंदर डालें, नहीं तो आप दूसरा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसे पकने दें और इसके साथ साथ इसमें डालें गरम मसाला पाउडर और इसे चख लें कि भाई इसमें नमक ठीक है या नहीं है। नमक अगर कम है तो नमक इसके अंदर डालें, जब आपने इसे प्रेशर कुक किया उस समय नमक डाला था, ये लीजिए। ये जो दाल है इसे कुछ देर कड़ने दें, कड़ने का मतलब कि जिस तरह से कड़ी बनती है ना, कड़ा जाता है उसे, इसे भी कुछ देर तक पकाएं, अब धीमी आंच पर, और जितनी देर तक आप इसको धीमी आंच पर पकाएंगे उतना इसका स्वाद बढ़ता जाएगा। जी हाँ, जितनी मेहनत करेंगे उतनी बढ़िया ये दाल बनेगी। अभी आप मेहनत करें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप साबुत उड़द यानी काले मां,
दो बड़े चम्मच राजमा नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, तीन बड़े चम्मच मक्खन, एक बड़ा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, छह लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च कटी हुई, तीन टमाटर कटे हुए और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे बनाने के लिए उड़द और राजमा तीन कप पानी में रात भर भिगो कर रखें और इसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर इसमें डालें नमक और लाल मिर्च पाउडर और इसे पूरी तरह से पका लें। अब एक बर्तन में मक्खन और तेल गरम करके इसमें जीरा, अदरक, लहसुन और प्याज डालकर भून लें। इसमें कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डालकर तेज आंच पर भूनें। अब इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ इसमें पकी हुई दाल और राजमा पानी के साथ डालें और गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं और इसका नमक चखें। अगर जरूरत है तो नमक इसमें डालें और कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा एपिसोड है आपकी डिमांड की रेसिपीज वाला, पॉपुलर रेसिपीज। और ढाबे में ये सब रेसिपीज मिलती हैं, पंजाब में ये रेसिपीज बहुत पॉपुलर हैं और आपने डिमांड की है। अब आ रही है राजमा रसमिसा, एकदम ट्रेडिशनल राजमा कैसे बना सकते हैं, एकदम गाढ़ा राजमा। जी हाँ, इसके लिए करना क्या है कि आप सबसे पहले तो ले लें अच्छा सा राजमा और इसे रात भर पानी के अंदर भिगो के रखें और फिर प्रेशर कुक कर लें नमक डालकर। राजमा जो है आप उसको ये देखिए पूरी तरह से गल जाना चाहिए। और अब इसमें एक बर्तन के अंदर हम ले लेते हैं तेल और तेल जब हो जाए गरम तो इसमें हम डालते हैं तेज पत्ता और इसके साथ साथ इसमें डालें प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज हल्के हल्के लाल होने शुरू हो गए हैं तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन। ये अदरक और लहसुन इसके अंदर और इसे भी हम प्याज के साथ साथ लाल कर लेते हैं। अब देखिए जो प्याज है ये अच्छी तरह से लाल हो गया तो इस समय आप इसमें डालें टमाटर और ये प्याज अच्छी तरह से लाल करना बहुत ज़रूरी है, इसमें समय बिल्कुल ना बचाएं। ये टमाटर फ्रेश टमाटो प्यूरे किए हुए इसके अंदर, इसमें हम मसाले भी डाल देते हैं, थोड़ा धनिया भी इसमें, ये जीरा, लाल मिर्च पाउडर और लाल रंग खिल के आए इसलिए थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये जो प्याज और टमाटर का मसाला है ये कितना बढ़िया हो गया है, एकदम एक सार। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये राजमा जिसे अच्छी तरह से बॉयल किया गया है, प्रेशर कुक किया गया है और इसके साथ इसमें जो अगर पानी बचा हो उबालते समय तो वो पानी इसके अंदर डालकर कुछ देर तक इसे और पकाएं। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि ये जो राजमा बनने चाहिए ये गाढ़े होने चाहिए। और अब इसके अंदर नमक चख लें, अगर नमक कम है तो नमक थोड़ा सा इसके अंदर डालें और उसके साथ साथ इसमें डालें गरम मसाला पाउडर और इसे कर दें मिक्स। और ये लीजिए और धीमी आंच पे 10-15-20 मिनट इसे आप पकने दें और फिर तैयार ये राजमा रसमिसा। बस इसके साथ में गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस हो और ये बढ़िया बने हुए राजमा, और कुछ इच्छा नहीं करेगी आपकी खाने की। काफ़ी अपने आप में हैवी होते हैं, ढेर सारे खाए जाते हैं, कम कभी खाए नहीं जाते हैं तो इसलिए हैवी तो हो ही जाते हैं। हाँ, क्या आपको मालूम है कि पंजाब में जब राजमा चावल खाते हैं तो इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? बिल्कुल ठीक, नहीं पता था आपको, चलिए बता देता हूँ, मोठी चावल, या इसको मोठी भी कहते हैं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। राजमा रसमिसा के लिए हमें चाहिए 1.5 कप राजमा रात भर पानी में भीगा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 2 तेज पत्ते, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 3 टमाटर प्यूरे किए हुए, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर।
इसे बनाने के लिए भीगे हुए राजमा में 5 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुक कर लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें तेज पत्ता, प्याज, अदरक और लहसुन डालकर भून लें। अब टमाटर की प्यूरी डालकर इसे पकाएं। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर कुछ देर तक पका लें। अब इसमें पका हुआ राजमा और उसका पानी डालकर मिक्स करें। इसमें नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर इसे धीमी आंच पर करीब 15 से 20 मिनट तक पकाएं और इसे गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है भैरवी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। भैरवी, खाना बनाना अच्छा लगता है या नहीं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो बनाओ, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मैं कहा हूँ। अच्छा, आप गुजराती हैं? मैं गुजराती हूँ। कढ़ी बनाते हैं? गुजराती कढ़ी। हाँ, गुजराती कढ़ी। पंजाबी कढ़ी नहीं आती? नहीं आती। आज के पूरे एपिसोड में पॉपुलर डिशेस ऑन डिमांड है। okay. तो ये जो रेसिपी है ये है पंजाबी कढ़ी की, ट्रेडिशनल पंजाबी कढ़ी। ओह गुड, सिंपल। तो इसमें पंजाबी कढ़ी जो है, जब तक उसमें पकौड़े नहीं डले ना, तब तक मज़े नहीं आते। तो इसके लिए जो प्याज चाहिए वो सिर्फ मुझे मैं रफली काटना है, बहुत ज़्यादा छोटा काट। हाँ, ये तो ये प्याज बेसन में डाल दिया। बेसन में डाल दिया मैंने। okay. और क्या करते हैं, और इसमें डाल देते हैं मेथी, नमक स्वाद अनुसार। हाँ भाई, टू टेस्ट। ये थोड़ा सा खाने का सोडा, तो ये अजवाइन। ओके, और इसके साथ में जीरा भी डाल देता हूँ इसी में। ओके, और थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, ये भी आ गया। और क्या डालें अब इसमें, लाल मिर्च, और ये आ गई हल्दी। सब चीज़ों को कर लिया मिक्स। और अब इसमें पानी, तो ये जरा कर लिया मिक्स। चलिए, पकोड़े का हो गया, अब कढ़ी। ओके, गुजराती कढ़ी में क्या करते हैं? बेसन डालते हैं। किसमें? दही में। दही, दही में। हाँ, दही को ग्रेट करके छाछ जैसा बना देते, पतला बना देते हैं। और उसमें बेसन डालते हैं पहले। बेसन तो एक ये छाछ जैसी दही। हाँ, थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। हाँ, खट्टी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या आपने कहा, बेसन। तो ये उसमें जो बेसन आप डालते हैं गुजराती कढ़ी में, बेसन कम डालते हैं, इसमें बेसन ज्यादा। तो ये जो बेसन है ये इसके अंदर मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें दही खट्टी होनी चाहिए। हाँ। और वैसे जो कढ़ी बनती है ट्रेडिशनल गांव वगैरह में, तो उसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं, मतलब कि गिनती की चीज़ें इसमें पड़ती हैं। तो जैसे ये नमक, ठीक है, नमक डाल दिया। नमक के साथ साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर, और जो गुजराती में नहीं डलती, नहीं डलती, हल्दी, हल्दी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो हम पांच है, तो ये मजे आप पहले आ रहे हैं या पहले आते थे, कैसे, क्या? सच बोलना। नहीं नहीं, सच बताऊंगी। हम लोग क्योंकि हम इंटरनली फैमिली में इतने क्लोज है एक दूसरे से, द को आर्टिस्ट, अदरवाइज ऑल्सो बहुत क्लोज है, इसलिए पहले जितनी ही मस्तियां करते हम लोग, मस्तियां तो उतनी ही करते हैं, उतनी ही करते हैं। तो ये हो गया, और अब पहले तड़का लगाते हैं। हाँ, पहले तड़का इसमें। तड़के के लिए तेल, अब आप तड़का आप लगाएं इसमें वो लाल मिर्च का, ये वाला। हाँ, पर इसको क्या करेंगे, तोड़ दूं? हाँ, तोड़ के 2-3 हिस्सों में, जब ये गर्म हो जाए तब डालेंगे। और ये जो पकौड़े बनेंगे वो टेस्टी लग रहे मुझे। हाँ, बिल्कुल टेस्टी लगे। अच्छा, ट्रेडिशनली ये जो पकौड़े बनते हैं थोड़े बड़े बड़े बनाए जाते हैं, खासतौर से पंजाब में, गाँव में, लेकिन आजकल हम लोग आ गए हैं शहर में, तो थोड़े छोटे वाले बनाएंगे। ये लीजिए ये पकौड़े इसके अंदर, और देखिए इसका जो बैटर है ये काफ़ी थिक है। थिक है ये इसलिए क्योंकि कढ़ी के अंदर ये पकौड़े जो हैं ये रुकने चाहिए ना, मतलब। हाँ, मेरे ख्याल से तेल भी गर्म हो गया है। डाल दूँ? हाँ बिल्कुल। और कुछ इसमें डालना है? हाँ, और भी डालेंगे इसके अंदर मेथी। ओके। ये पंजाबी कढ़ी की खासियत है। और जीरा? नहीं नहीं, जीरा कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है, पकौड़े में डाल दिया। राइट, चलिए। वाह, अब ये कढ़ी इसके अंदर डाल देते हैं। भाई वाह, एक्सलेंट। मुझे लगता है बहुत गाढ़ी है एक्चुअली, जो जब छाछ मिक्स करते हैं
उसी समय उसमें काफी पानी डालकर तो ये पकनी चाहिए। अभी जरा ये उबले, उबलने शुरू होंगे और पकौड़े भी तब तक हो जाएंगे और पकौड़े डालकर और पकाएंगे इसे कढ़ी को। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो हम पांच में, क्योंकि मस्ती सारे मिलजुल कर ऐसे करते हैं, तो उसमें सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है या कितना स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है? नहीं, डायलॉग्स तो ज्यादातर स्क्रिप्ट के हिसाब से होते हैं। ओके, मैंने कहा शायद अपना बना सकते हैं। नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। हम लोग ऑफ स्क्रीन ज्यादा मस्तियां करते हैं बहुत। इट्स वेरी डिफिकल्ट हम लोगों को कंट्रोल करना एक्चुअली। अच्छा, अब देखिए उबलना शुरू और अब इसको कढ़ना चाहिए। जितनी ज्यादा कढ़ेगी पकेगी, और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब ये पूरी तरह से पक जाती है, थोड़ी अगर जब ठंडी होती है तो और गाढ़ी होती है। राइट। अब ये जो पकौड़े हैं ये इसके अंदर, अगर आप चाहें धनिया इसके अंदर, हरा धनिया। वैरवी एक मुझे बात बताओ कि लोग सोच रहे हैं कि आप वही हैं हम पांच वाली या कोई और तो नहीं आ गया? कान के नीचे बजा के दू क्या? ये वही है। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। और भैरवी, और खाना बनाने के लिए ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप शो पे आए। इसी तरह से मुस्कुराते रहें और कान के नीचे कम बजाएं। पकौड़े बनाने के लिए 3/4 कप बेसन, 1 प्याज कटी हुई, आधी गत्थी मेथी के पत्ते कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच खाने का सोडा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और तलने के लिए तेल। कढ़ी के लिए 1 कप दही, 1/4 कप बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 सूखी लाल मिर्चें, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। पकौड़ों के लिए 1 बोल में बेसन, कटे हुए प्याज, मेथी के पत्ते, नमक, खाने का सोडा, अजवाइन, जीरा, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे कढ़ाई में तेल गरम करके इसके पकौड़े बनाएं और तलकर निकाल लें। कढ़ी बनाने के लिए 1 बोल में दही लेकर इसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें। अब एक बर्तन में तेल गरम करके इसमें सूखी हुई लाल मिर्चें और मेथी दाना डालकर भूनें। अब दही और बेसन के मिक्सचर को इसमें डालकर तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और अब इसमें तैयार पकौड़े डालकर करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें और इसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे चावल के साथ परोसें। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग किस्म के मसाले खाने में एक नया स्वाद देते हैं। ऐसा ही एक मसाला है राई, यानी मस्टर्ड सीड्स। पंजाब की सरसों, वाह, खुशबू उसकी ऐसी कि दूर से ही पहचानी जाए। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ करीब 5000 साल से किया जा रहा है और इसके रंग और स्वाद से तो आप परिचित हैं ही। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल पेस्ट, पाउडर और खड़े मसाले के रूप में किया जाता है। दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल ताजे नारियल के साथ खाने को एक नया स्वाद दे देता है। यानी भारतीय खाने में मस्टर्ड सीड्स हैं एकदम मस्ट। और अब बारी है आज की टिप की। दाल मखनी पराठा बनाने के लिए 1 कप आटे में आधा कप दाल मखनी डालकर इसका आटा गूंद लें। अब इसके पेड़े बनाकर इसे बेलें सूखे आटे के साथ और दोनों तरफ तेल या घी लगाकर इसे सेके और करारा होने पर तुरंत परोसे। दाल मखनी के साथ नहीं, दही के साथ और अचार के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।